बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लेकिन एक रिसर्च हुआ, रिसर्च में झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार की महिला पुलिसकर्मी शामिल हुई और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी यानी जो पटना में है उनका एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में जो थाने हैं और थाने में ठीक से महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, उसके अलावा उनके लिए पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक नहीं, उनका जब पीरियड होता है यानी माहवारी होता है तो जब छुट्टी मांगा जाता है अधिकारियों से, अपने सीनियर पुलिसकर्मियों से, तो उनको बेइज्जत किया जाता है और कहा जाता है कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आपका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। यही नहीं, महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि हम लोग को कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर ही ज्वाइनिंग देना चाहिए, पोस्टिंग देना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को भी देख सके। उसके अलावा बिहार पुलिस की महिलाएं जो हैं वो कहती हैं कि जो इंटरनल कमिटी बनती है, अगर हमारे साथ कुछ हरासमेंट होता है या हमको हैरेस किया जाता है तो उस पर भी जो कमिटी है वो हमारी बात को नहीं सुनती है। ये एक रिसर्च में दावा किया गया है चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में। कल एक तत्वाधान था जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा की जो महिला पुलिसकर्मी, उन्होंने अपना जो है दुख बताया और उन्होंने कहा कि महामारी में जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं तो हमको बेइज्जत किया जाता है और हमको छुट्टी नहीं दिया जाता, उसके अलावा अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, जो कि सरकार का नियम है कि सरकार उनसे जो है वो पैसा काटती है, यानी कि जो जहां वो रहते हैं उसका भी पैसा सरकार लेती है, लेकिन उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। उनके यहाँ जो इंटरनल कमेटी है, अगर किसी प्रकार का पुरुष द्वारा या महिला पुरुष सिपाही के द्वारा, दरोगा द्वारा किसी प्रकार का अगर हरास किया जाता है तो जो कमेटी बनती है वो कमेटी भी उनकी बात नहीं सुनती है। एक रिसर्च में दावा किया गया, वहाँ पर जो है वहाँ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग पहुँचे हुए थे और कहा गया कि महिलाओं पुलिस के साथ जो है वो गलत तरीके से बर्ताव किया जाता है बिहार के थानाओं में, यहाँ तक कि उनके लिए शौचालय की एक पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में महिला पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं और इस पर वो ढोल ताश भी खूब बजाते हैं। लेकिन जो रिसर्च आया है वो रिसर्च काफ़ी में एक बड़ा खबर है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जो है इस बात को कहते रहते हैं कि हम जो है इतना काम किए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन सोचिए कि अगर उनके साथ अगर कोई यौन शोषण भी किया जा रहा है तो जो इंटरनल कमेटी है वो भी उनकी बात नहीं सुनती है। रिपोर्ट में कहा गया, रिपोर्ट का नाम जो है वो CSNR की अध्ययन एक रिपोर्ट हुई है जिसमें 4 राज्य की महिला पुलिस पहुंची और महिला पुलिस ने ही बताया कि हमारे लिए जो है वो अलग से शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, वहीं हम लोग को 60 किलोमीटर अंदर के रेंज में ही ड्यूटी दिया जाए ताकि हम अपने परिवार को देख लें। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि जब हम लोग माहवारी में होते हैं और जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं तो कहा बेइज्जत किया जाता है और उस पर कहा जाता है कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आपको दूसरे जिला में हम पोस्टिंग यानी ट्रांसफर भी करवा देंगे। तो एक बड़ी खबर जो है निकल करके आई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, उन्हीं की महिला पुलिस जो है उनके लिए एक पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कॉमन रूम नहीं है जो कि महामारी में वो आराम कर सके, उनको ऐसे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो परिवार से दूर रहें। तो कई अनुशंसा भी की गई हैं, उसमें एक अनुशंसा बहुत अच्छी है कि महिलाओं को जो है वो 60 किलोमीटर अंदर के दायरे में ही ज्वाइनिंग दिया जाए, पोस्टिंग दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को भी देख सके, अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी भी होती है या वो बीमार पड़ती हैं तो अपने घर भी जा सके। तो ये एक बड़ा खबर है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं पुलिस के कार्यक्रम में वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि देखिए हमने बिहार के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया, लेकिन उन्हीं की महिला पुलिस कह रही हैं कि महामारी में जब हमको छुट्टी मांगना होता है तो हमको बेइज्जत किया जाता है। ये बिहार की कहानी है, बिहार की सुशासन है जिसको नीतीश कुमार पूरे गाजा बाजा के साथ बजाते हैं, लेकिन जब महिला पुलिस का ये अध्ययन, ये रिपोर्ट सामने आया है तो एक बड़ा सवाल उनके सुशासन पे है कि भले आप जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह महिलाओं को पुलिस में भर दिए हैं लेकिन उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसलिए पुलिस जो हैं, पुलिस महिलाएं कह रही हैं कि हम जब माहवारी में होते हैं तो जब हम छुट्टी मांगते हैं तो हमको बेइज्जत किया जाता है। वो बेइज्जत करने वाले कौन लोग हैं इसकी जानकारी बिहार सरकार ले। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।